गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक पाँच बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने विज्ञान का शिक्षण विषय जो है जीव विज्ञान, उसका अध्ययन कर रहे थे। पीछे वाले वीडियो के अंदर अपने जीव विज्ञान का जो टॉपिक था, विज्ञान क्लब, साइंस क्लब जिसको कहते हैं, इसका अध्ययन किया था, इसको शुरू किया हुआ था। तो उसके अंदर अपने इसकी जो है परिभाषा या इसकी उपयोगिता के बारे में कुछ बातें की थी। विज्ञान क्लब की आवश्यकता क्यों पड़ती है या इसको क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में अपने पीछे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो इसके बाद अपने विज्ञान क्लब के उद्देश्य क्या होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज़ है, कोई भी विषय वस्तु है या कोई भी अपने कह सकते हैं शिक्षण बिंदु है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ाने का। तो ऐसे ही इस विज्ञान के अंदर विज्ञान क्लब जो बनाया जाता है, इसको बनाने के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों के बारे में अपने कल वाली वीडियो जो थी उसमें डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाता है। तो उसके बाद आज अपना टॉपिक तो विज्ञान क्लब ही रहेगा। आज अपने विज्ञान क्लब के अंदर पढ़ेंगे, एक तो विज्ञान क्लब का जो संगठन है ये कैसे किया जाता है, मतलब इसको जब बनाना है तो इसके अंदर क्या क्या पद होते हैं, उनको पदों को कैसे जो है आगे सौंपा जाएगा, कौन कौन से जो व्यक्ति हैं इसके अंदर रखे जाएंगे, वो संगठन के अंदर अपने पढ़ेंगे। फिर अपने इसमें पढ़ेंगे विज्ञान क्लब की गतिविधियाँ, एक्टिविटी की, विज्ञान क्लब कौन कौन सी एक्टिविटी करवाएगा या इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटियाँ करवाई जाती हैं जो बच्चे समय में कर सकते हैं, शिक्षक की सहायता से भी करते हैं। तो पहले अपने शुरू करते हैं विज्ञान क्लब का संगठन। विज्ञान क्लब का संगठन का मतलब है भी जब अपने को विज्ञान क्लब बनाना है, ठीक है, तो इसका संगठन कैसे करना है। जैसे कोई भी मकान बनाते हैं तो अपने पहले उसकी नींव बनाई जाती है, नींव रखी जाती है, और नींव जो है वो मजबूत होती है तो मकान अच्छे से बन सकता है उसके ऊपर। ऐसे जब विज्ञान क्लब का संगठन करना है तो इसको संगठन करते समय इसके जो पद हैं, जिसके मेंबर हैं, उनको बड़े ध्यान में रखते हुए इसका निर्धारण किया जाता है। तो विज्ञान क्लब का जब संगठन किया जाएगा इसके अंदर, तो संगठन के लिए एक तो ये ध्यान में रखना है इसके अंदर कि इसका जो संगठन है वो सीमित क्षेत्र में भी हो सकता है और व्यापक क्षेत्र में भी हो सकता है। सीमित क्षेत्र वाला भी अपने विज्ञान क्लब बना सकते हैं कहने का मतलब, और व्यापक क्षेत्र वाला भी विज्ञान क्लब अपने बना सकते हैं, ठीक है। फिर जब इसका संगठन करना है तो ये अपने को मान के चल रहे हैं लगभग इसके अंदर जो अपने सदस्य रखे हैं, सदस्य जो अपने इसके अंदर रखेंगे वो संख्या जो है 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। तो जो विज्ञान क्लब होगा वो अच्छे से अपना कार्य कर सकेगा और अपने जो उद्देश्य है उनको अच्छे से पूरा कर पाएगा, ठीक है। अगर अपने सदस्य संख्या ज़्यादा ले लेते हैं वोट इनसे, तो हो सकता है भी उसके अंदर जो है वो अपना कार्य जो है विज्ञान क्लब अच्छे से ना कर पाए और उसके उद्देश्य पूर्ण ना हो पाए। तो कोशिश ये रखनी है कि विज्ञान क्लब का जब संगठन करना है तो उसमें सदस्यों की संख्या लगभग 20 से 25 के बीच में रखी जानी चाहिए, ठीक है। इसका क्षेत्र मतलब इससे छोटा 20 से कम भी हो सकते हैं और 20 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, सामान्यतः जो एवरेज है इतनी होनी चाहिए तो विज्ञान क्लब जो है वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। अब जब अपने संगठन करेंगे विज्ञान क्लब का, तो इसके अंदर अपने को संगठन करने के लिए कार्य समिति बनानी पड़ेगी, ठीक है। विज्ञान क्लब जब बनाया जाएगा तो इसकी कार्य समिति बनाई जाएगी। अब कार्य समिति मतलब जिसकी देखरेख में विज्ञान क्लब कार्य करेगा वो कार्य समिति होगी इसकी। अब कार्य समिति के अंदर अपने को मेन दो पद रखने हैं, एक तो संरक्षक का पद होगा इसमें। कार्य समिति बनाई जाएगी विज्ञान क्लब की, जो इसकी कार्य की देखरेख करेगी उसमें मुख्य पद होगा संरक्षक का। तो संरक्षक क्या होगा, इसका मुख्य होगा, ठीक है। तो कोई भी अपने क्लब, कोई भी एनजीओ या कोई भी सामाजिक संस्था अपने बनाते हैं तो उसमें जो मुखिया होता है उसका वो संरक्षक होता है, जो उसका संरक्षण करता है, ठीक है। तो विज्ञान क्लब की कार्य समिति के अंदर मुख्य पद होगा संरक्षक का, और संरक्षक इसके अंदर जो बनाया जाता है जिस विद्यालय के अंदर अपने विज्ञान क्लब
क्लब बना रहे हैं। जो भी स्कूल है जिसके अंदर विज्ञान क्लब बनाया जा रहा है तो उस स्कूल का जो विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होगा, प्रिंसिपल जो होगा स्कूल का, वो इसका संरक्षक जो है ना उसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हम पहली बात याद रखेंगे, कार्य समिति का संगठन करेंगे, उसमें जो जिस विद्यालय का विज्ञान क्लब बनाया जा रहा है उस विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होता है वो उस विज्ञान क्लब का संरक्षक होगा, उसको संरक्षक मतलब बनाया जाएगा विज्ञान क्लब का। फिर इसमें दूसरा पद होगा संचालक। अब कार्य समिति के अंदर संरक्षक तो क्या करेगा, संरक्षण करेगा इसका, इसकी देखरेख करेगा। फिर संचालक इसकी एक्टिविटी जो है, इसके जो कार्यविधियाँ हैं, जो इसके कार्य करने हैं विज्ञान क्लब में, उसको संचालित करने के लिए इसमें पद होगा एक संचालक का, और उसके अंदर रखा जाएगा विज्ञान विषय का अध्यापक। तो जिस विद्यालय का अपने विज्ञान क्लब बना रहे हैं उस विद्यालय के अंदर जो विज्ञान का शिक्षक होगा, साइंस का जो टीचर होगा, उसको विज्ञान क्लब का संचालक बनाया जाएगा। ठीक है, संचालक जो है इसको अपने अध्यक्ष भी कह सकते हैं, तो संचालक या अध्यक्ष की बात है, संचालक भी कह देते हैं, अध्यक्ष भी कह देते हैं। तो ये दो तो मेन पद है, ध्यान में रखना है कि विज्ञान क्लब के अंदर मुख्य पद संरक्षक का होगा, जो विद्यालय का प्रधानाचार्य होगा। फिर उसके बाद संचालक या अध्यक्ष का पद होगा जिसके अंदर विद्यालय का विज्ञान विषय का अध्यापक रहेगा। ये दो पद हो गए। इसके बाद अन्य पद, मुख्य ये दो पदों के अलावा इसके अंदर अन्य पद भी हैं। अब वो क्या है, अध्यक्ष जो है ना, इसकी देख रेख के अंदर जो कार्य समिति है या कार्य समिति के अंदर जो संचालक है, अध्यक्ष है, ये इन पदों का क्या करेगा, निर्धारण करके इनके ऊपर नियुक्ति प्रदान करेगा जो मेंबर हैं कार्य करने वाले उनके। ठीक है, तो ये कार्य समिति फिर क्या करेगी, संचालक के द्वारा इन पदों के ऊपर जो मेंबर हैं उनकी नियुक्ति करेगी। अब ये पद इसके अंदर जो रखने हैं, इसके अंदर फिर उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, एक पद, फिर उसके अंदर सचिव का पद होगा, उप सचिव का पद होगा, कोषाध्यक्ष का पद होगा, ठीक है, पुस्तकालय सचिव होगा, संगठन सचिव होगा, प्रचार अधिकारी होगा, सामाजिक सचिव होगा, भंडार सचिव होगा और कक्ष प्रतिनिधि होगा। ये जो पद हैं ये सारे के सारे अध्यक्ष की देखरेख में आवंटित किए जाएंगे, जो मेंबर होंगे उनको ये पद किए जाएंगे। ठीक है, तो अब इनके अलग अलग कार्य हैं सभी के, तो आपको इनके कार्य के बारे में ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इनको इनके पद आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष है, सचिव है, उप सचिव है, कोषाध्यक्ष है, तो ये सारे पद इसके अंदर आते हैं। तो ये कुल पद हैं जो विज्ञान क्लब के अंदर आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, कुल हो गए, जैसे संरक्षक हो गया, संचालक हो गया, अध्यक्ष हो गया, और इसके बाद ये वाले सारे पद। ठीक है, कार्य समिति में मुख्य ये दो पद, बाकी इसके अंदर चलेंगे। तो ये तो है विद्यालय विज्ञान क्लब का, जब अपने संगठन करेंगे उसके अंदर ये जो पद दिए जाएंगे। अब ये जो पद हैं इनके ऊपर जो मेंबर हैं वो कार्य करेंगे पद पर रहते हुए, और इसका आगे प्रचार प्रसार भी करेंगे विज्ञान क्लब का, कि इसके आगे एक और भी मेंबर इसके अंदर जोड़े जा सके। ठीक है, तो अब आपको कार्य समिति के बारे में ध्यान रखना है कि कार्य समिति जो कार्य की देख रेख करती है उसमें कौन कौन रहता है। तो सदस्य संख्या आपको मैंने बता दी, लगभग इसकी अपने ज़्यादा नहीं रखनी है, 20 से 25 के बीच में रखनी है, इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इससे कम भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है विज्ञान क्लब जो है, जब इसका अपने संगठन कर लिया तो इसका कार्य करने का तरीका या कैसे वर्क करेगा, तो उसके अंदर अपने को ध्यान में रखना है। इसका जो है सफल संचालन करने के लिए, इसका जब प्रारंभ करना है विज्ञान क्लब की कोई भी गतिविधि शुरू करनी है तो उसमें भाषण से उसको शुरू करना चाहिए, प्रारंभ के अंदर भाषण होना चाहिए और उसके बाद उसकी जो अन्य गतिविधि उसको संचालित करना चाहिए। तो प्रथम बार जब विज्ञान क्लब अपने संचालित करना है, इसका कोई भी कार्य करना है, विज्ञान क्लब की कोई भी गतिविधि करानी है, तो पहले उसके अंदर भाषण होना चाहिए, भाषण के अलावा उसके बाद की जो गतिविधि है उसके बाद उसको अपने सामने से संचालित कर सकते हैं। फिर इसके अंदर एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि जब अपने सदस्य बनाना है विज्ञान क्लब का किसी भी विद्यार्थी को, तो उसके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। ज़बरदस्ती अगर अपने किसी को विज्ञान क्लब का मेंबर बना लेंगे तो वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा और विज्ञान क्लब की जो गतिविधि है वो जो है उसमें भी बाधा आ सकती है। इसलिए इसके जो मेंबर बनाने हैं जब भी,
अध्यापक को भी और इसके जो मेंबर पहले से बने हैं उनको भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किसी भी मेंबर या उसका सदस्य बनने के लिए भी ज्ञान क्लब का दबाव जो है वो नहीं डाला जाना चाहिए, ठीक है। और अध्यापक जो है इसमें छात्रों का मार्गदर्शन और सहयोग करता रहे तो विज्ञान क्लब जो अपना कार्य अच्छे से कर सकता है। तो इसके अंदर ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर अब अपने इसका संगठन कर लिया जब विज्ञान क्लब का, तो इसमें इसका जब कार्य किया जाएगा संगठन के द्वारा तो उसमें जो अनुभव रखता है अध्यापक उसको भी अपने इसमें विशेष भूमिका दे सकते हैं, जिसको इस चीज़ का अनुभव है विज्ञान क्लब के बारे में तो उसको मुख्य भूमिका अपने दे करके इसकी गतिविधियों को और अच्छे से चला सकते हैं। अब इसके बाद आता है विज्ञान क्लब जो है जब वो संगठन कर लिया बना लिया अपने तो ये कार्य क्या क्या करेगा, तो इसके अंदर आएगा विज्ञान क्लब की गतिविधियाँ एक्टिविटी क्या क्या रहेंगी, विज्ञान क्लब कौन कौन सी एक्टिविटी करवाएगा बच्चों को, या बच्चे जो है कौन कौन सी गतिविधियाँ विज्ञान क्लब के अंदर करते हैं जिससे साथी बच्चे जो है उनके उनको सहायता मिल सकती है। तो विज्ञान क्लब की गतिविधियों के अंदर अपने एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है परिभ्रमण का आयोजन कर सकता है विज्ञान क्लब। विज्ञान क्लब क्या करेगा, परिभ्रमण या पर्यटन का आयोजन कर सकते हैं। अब परिभ्रमण या पर्यटन के अंदर ठीक है क्षेत्रीय भ्रमण भी हो सकता है, ठीक है, और दूर के स्थान का भ्रमण भी हो सकता है। ये विज्ञान क्लब इसका आयोजन कर सकता है क्षेत्रीय भ्रमण का या परिभ्रमण का। इसके अलावा विज्ञान मेले, विज्ञान प्रदर्शनी जो होती है वो विज्ञान क्लब के द्वारा लगाई जा सकती है। यह विज्ञान क्लब ऐसी गतिविधियाँ आयोजित करवाता है समय समय पर, जैसे विज्ञान मेला लगवाया जाता है स्कूलों के अंदर भी और कॉलेज के अंदर भी। बच्चे जो है अपने समय के दो दो तीन दिन के समूह बनाकर जो उनको कार्य दिया जाता है वो समय कार्य जो है अपना सेलेक्ट करके उसके ऊपर कोई भी चार्ट है, कोई भी मॉडल है या कोई वास्तविक पदार्थ है उसको सबके सामने प्रेजेंट करते हैं और उसके बारे में लोगों को बताते हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मुद्दे पे भी कोई उसमें गतिविधि हो सकती है, विज्ञान का कोई आविष्कार या प्रयोग या विज्ञान पर आधारित कोई अन्य गतिविधि हो सकती है। तो विज्ञान मेले के अंदर कहने का मतलब बच्चे अपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई गतिविधियों के आधार पर। तो विज्ञान मेलों का आयोजन विज्ञान क्लब के द्वारा करवाया जाता है स्कूलों के अंदर भी कॉलेज के अंदर भी, ठीक है। विज्ञान प्रदर्शनी भी हो सकती है, प्रदर्शनी के अंदर जो भी बच्चों ने कुछ विज्ञान से संबंधित बनाया है मॉडल चार्ट वगैरह उसको सबके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो प्रदर्शनी हो जाती है। विज्ञान मेले और विज्ञान प्रदर्शनी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग दोनों समान ही गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ कार्य ऐसे हैं जो विज्ञान क्लब के द्वारा किए जा सकते हैं, उसके सदस्यों के द्वारा कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको अपने समय बना सकते हैं, ठीक है। जैसे साबुन बनाना, साई बनाना, रंगों का निर्माण करना, ये और छोटे खिलौने बनाना वेस्ट वस्तुओं से, जो वेस्ट कचरा वगैरह हो जाता है कुछ वस्तुएं टूट फूट जाती हैं तो उनसे अपने कुछ उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पुंचक्रण और उसके अंदर आ जाता है बच्चे क्या करते हैं जो पदार्थ खराब हो गया टूट फूट हो गई है उसके से दोबारा नया पदार्थ तैयार कर लेते हैं। तो ऐसी गतिविधियां भी विज्ञान क्लब के द्वारा संचालित की जा सकती हैं, ठीक है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री भी विज्ञान क्लब के द्वारा तैयार करवाई जा सकती है। विज्ञान क्लब के अंदर जो बच्चे हैं मेंबर हैं इसके वो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में उन्होंने बढ़ चुके हैं कि ऐसी सामग्री जो बच्चों के शिक्षण में उनकी सहायता करती है और शिक्षक इसका उपयोग शिक्षण को सरल बनाने में करते हैं। वो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है उसका निर्माण बच्चे विज्ञान क्लब के अंदर कर सकते हैं, जैसे चार्ट हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, ठीक है, जो शिक्षण में सहायता कर सकते हैं बच्चों की, और इस सामग्री का निर्माण विज्ञान क्लब के द्वारा किया जा सकता है। कोई उपकरण भी हो सकता है, कोई ग्राफ भी हो सकता है, कोई चित्र भी हो सकता है, ये शिक्षण सहायक सामग्री है सारी, इसका निर्माण विज्ञान क्लब के द्वारा या उसके सदस्यों के द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार के विज्ञान क्लब की गतिविधि है। इसके अलावा मौसम संबंधी अध्ययन के लिए रिकॉर्ड भी विज्ञान क्लब जो है रख सकता है। मौसम का मान लो भी अपने मौसम की गतिविधियों का अध्ययन करना है कि मौसम में बदलाव कैसे आता है, ये ऋतुएं कैसे बदलती हैं, सर्दी गर्मी कैसे आती है, ठीक है, टेम्परेचर दिन में और रात में कैसे घटता बढ़ता है,
कितना फर्क आ जाता है तापांतर में, तो यथापांतर कैसे बनता है, तो इसके लिए जो डेली का रिकॉर्ड है टेम्परेचर का वो रखा जा सकता है। तो विज्ञान क्लब के सदस्य या विज्ञान क्लब है इसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, मौसम संबंधी रिकॉर्ड का संधारण करने का मतलब कर सकते हैं, और आसपास का जो क्षेत्र है उसके मौसम के बारे में अध्ययन करने के लिए ये सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर का अध्ययन करेगा तो उसके अंदर जो है आर्द्रता जैसे हो जाएगी, बादलों का आवागमन, पवन, वायु की गति, वायु, तो इनके बारे में भी अध्ययन इसके अंदर किया जा सकता है। फिर इसके बाद सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रम विज्ञान क्लब आयोजित करवा सकता है। सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रम आयोजित करवाने से जो आसपास के जो समुदाय के लोग हैं उनको इससे सहायता मिल सकती है। अब समुदाय के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम जैसे उनको शिक्षा में सहायता करना हो सकता है, ठीक है, उनको उनके जो स्वास्थ्य के प्रति जानकारी देना, क्योंकि विज्ञान के जो बच्चे हैं वो रोगों के बारे में पढ़ते हैं विज्ञान के अंदर, तो उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देके रोगों से बचाव कैसे किया जा सकता है, प्रतिरक्षा अपनी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ऐसी चीज़ों के बारे में जो समुदाय के लोग हैं आसपास के एरिया के उनको विज्ञान क्लब के बच्चे जो है वो बता के उनकी सहायता कर सकते हैं। तो समुदाय के कल्याण के लिए जैसे स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ बता के भी उनकी सहायता कर सकते हैं, और शिक्षा से संबंधित उनको कोई समस्या आ रही है उनमें भी उनकी सहायता करके वो जो है सामाजिक या समुदाय कल्याण के कार्यक्रम चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दैनिक जीवन में कुछ वस्तुएं हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग कैसे किया जा सकता है, या अपने घरों में कौन कौन सी वस्तुएं कैसे बना सकते हैं जिनका दैनिक जीवन में उपयोग है विज्ञान के द्वारा, उसके बारे में भी बच्चे समुदाय के लोगों को बता सकते हैं। तो ये विज्ञान क्लब की एक्टिविटी का एक प्रकार हो जाएगा। फिर विज्ञान संबंधी विषयों पर समय समय पर विवाद, वाद विवाद प्रतियोगिता, ठीक है, और चित्र प्रतियोगिता जैसे पोस्टर वगैरह बनाना, ठीक है, और चित्रकला में इसमें आ जाती है आर्ट जो है उसका भी विकास होगा बच्चों में, और विज्ञान के चित्र बनाने में भी बच्चों की रुचि बढ़ेगी। तो वाद विवाद प्रतियोगिता जब बच्चे करेंगे विज्ञान से संबंधित मैटर पे हो सकती है, तो उससे बच्चों में तर्क शक्ति या निर्णय लेने की शक्ति का विकास होगा और उनमें ज्ञान के अंदर वृद्धि भी होगी। तो ऐसी विज्ञान जो है गतिविधियाँ आयोजित करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होगी और चित्र या पोस्टर से बनाने से संबंधित प्रतियोगिता होगी, फिर प्रदर्शनी हो सकती है, कोई किसी प्रकार की प्रदर्शनी, कोई उसके लिए कला है बच्चे में उसने कुछ उस कला का प्रदर्शन करना है तो वो प्रदर्शनी या उसने द्वारा कोई वस्तुएं बनाई गई है समय के द्वारा उनकी प्रदर्शनी है, तो विज्ञान क्लब के द्वारा ये गतिविधियाँ आयोजित करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा विज्ञान से संबंधित समारोहों का आयोजन करवाना, अब विज्ञान से संबंधित कुछ समारोह का आयोजन भी विज्ञान क्लब करवा सकता है, जैसे मान लो कि विज्ञान दिवस है कोई, उसके ऊपर कुछ विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान का महत्व या वैज्ञानिकों का जो जन्म दिवस है उसको मना करके, वैज्ञानिकों के जो जन्म दिवस आएंगे उनको अगर अपने मनाएंगे विज्ञान क्लब, उनको उनके जन्मदिवस को मना करके बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने में बच्चों की सहायता कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन विज्ञान क्लब के द्वारा किया जा सकता है। विज्ञान से संबंधित कोई फिल्में बनाई हुई है, छोटी छोटी फिल्म स्क्रिप्ट वगैरह जैसे अपन बनाते हैं शॉर्ट फिल्म, कोई भी विज्ञान से संबंधित विषय वस्तु पर बनी हुई है, तो उसका प्रदर्शन या उसकी प्रदर्शनी भी की जा सकती है, मतलब बच्चों को वो दिखाई जा सकती है, विज्ञान क्लब इसका आयोजन कर सकता है जिससे बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है, कार्य करने की शक्ति का विकास होता है। फिर ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विज्ञान शिविरों का आयोजन विज्ञान क्लब करवा सकता है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर विज्ञान शिविर जब लगाए जाएंगे तो ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं विज्ञान की गतिविधियों के बारे में उनको पता चलेगा, और ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे हैं विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, तो ऐसा करने से उनमें जो है रुचि भी बढ़ती है और उनको अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं में सहायता भी मिलती है। इसके अलावा विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित आशुरचित उपकरणों का निर्माण विज्ञान क्लब कर सकते हैं। आशुरचित उपकरण होते हैं जिनको बच्चा समय तैयार करता है, कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जिनको बच्चा समय बनाता है वो आशुरचित उपकरण कहलाते हैं, और आशुरचित उपकरणों का निर्माण विज्ञान क्लब के सदस्यों द्वारा विज्ञान क्लब के द्वारा किया जा सकता है, और दूसरे बच्चों को जब दिखाया जाएगा तो उनमें भी विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है, तो आशुरचित उपकरणों का निर्माण भी विज्ञान क्लब के द्वारा किया जा सकता है।
प्रयोगशाला के सामान को व्यवस्थित करना, सुरक्षा करना, उसकी साफ सफाई रखना प्रयोगशाला की, ये गतिविधि भी विज्ञान क्लब के द्वारा की जा सकती है। विज्ञान के अंदर विज्ञान की प्रयोगशाला बनी हुई है, सॉरी स्कूल के अंदर, स्कूल के कॉलेज के अंदर जो विज्ञान की प्रयोगशाला बनी हुई है उसके जो उपकरण हैं उनकी साफ सफाई, उनकी देख रेख, उनकी सार संभाल, प्रयोगशाला की साफ सफाई, ठीक है, उसका संचालन, इसके बारे में विज्ञान क्लब कार्य कर सकते हैं, बच्चों को इसके बारे में बता सकते हैं, बच्चों में इसके प्रति भी रुचि जो जागृत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का संकलन जो है विज्ञान क्लब कर सकते हैं। विज्ञान से संबंधित कोई भी विषय वस्तु आती है समाचार पत्रों में, या कोई ऐसा समाचार आता है जो विज्ञान से संबंधित है, तो उनका संग्रहण जो है वो विज्ञान क्लब कर सकते हैं, और उसको एक पूरी जो डाटा है संग्रह जब हो जाएगा उन्हें बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सकता है। बुलेटिन बोर्ड एक दृश्य सहायक सामग्री के अंदर अपने बढ़ लिया सा साधन था, तो उसके ऊपर अपने ये समाचार जो विज्ञान से संबंधित है उनको प्रदर्शित किया जा सकता है। प्राथमिक उपचार संबंधी ज्ञान भी बच्चों को विज्ञान क्लब दे सकते हैं। अगर कोई चोट लग जाती है तो ऑन स्पॉट वहीं पे जो इलाज किया जाता है तुरंत, उसको कहते हैं प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार के बारे में भी विज्ञान क्लब बच्चों को बता के उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ये थे अपने विज्ञान क्लब की गतिविधियाँ या एक्टिविटी, मतलब विज्ञान क्लब की अपनी गतिविधियाँ भी कह सकते हैं इनको, और विज्ञान क्लब के अपने कार्य भी कह सकते हैं। गतिविधियाँ आए पेपर में या पेपर कार्य पूछ लेता है विज्ञान क्लब के कार्य क्या है, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये इसके कार्य भी है, इसकी गतिविधियाँ भी है, ये इसका संगठन था, ठीक है। तो ये अपना विज्ञान क्लब टॉपिक कंप्लीट है यहाँ पे। तो कल अपने पढ़ा था विज्ञान क्लब की परिभाषा, फिर अपने पढ़ा था विज्ञान क्लब के उद्देश्य, ठीक है। तो ये चार टॉपिक आपके हैं, सबसे पहले इसके अंदर आ जाती है विज्ञान क्लब की परिभाषा, ठीक है, और फिर इसके अंदर आ जाता है उद्देश्य विज्ञान क्लब के, ये अपने पर डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये फोर्थ, ये विज्ञान क्लब के चार पॉइंट थे, ये चारों अपने डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ ना आ रही हो बात, तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। तो ये विज्ञान क्लब लेट है, कल अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।